इंटरनेट पर आपको अक्सर ही मुफ्त की राय देने वाले मिल ही जाएंगे, और खासकर जिनका आपसे कोई लेना देना ना हो, वो भी अपनी राय देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। हाल ही में अभिनेत्री सारा अली खान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जहां इंटरनेट पर ट्रोलर्स के चलते अभिनेत्री सारा अली खान इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं। बता दें कि अपने आने वाली फिल्म जरा हटके जरा बचके की रिलीज से पहले सारा अली खान एक्टर विकी कौशल के साथ महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए पहुंची थी। अपनी यात्रा से कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के बाद ट्रोलर्स ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। जिसके बाद सारा अली खान ने एक कार्यक्रम में ऐसे ही सवाल के बारे में जवाब देते हुए कहा कि मैं लोगों के लिए आपके लिए काम करती हूं। मुझे बुरा लगेगा अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरी कुछ निजी मान्यताएं हैं। मैं अजमेर शरीफ उसी श्रद्धा से जाऊंगी जिस भक्ति से मैं बंगला साहिब या फिर महाकाल जाऊंगी। लोग जो कुछ कहें कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं काम करती हूँ जनता के लिए, आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा ना लगे तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन ये जो मेरी निजी मान्यता है, ये मेरी निजी मान्यता है। मैं अजमेर शरीफ उतनी शिद्दत से जाऊँगी जितना बंगला साहब, जितना महाकाल, और मैं जाती रहूँगी। तो जिसको भी जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं भी जाकर सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि आपको वहाँ की ऊर्जा अच्छी लगनी चाहिए। मुझे यहाँ बैठ के आप लोगों की ऊर्जा अच्छी लग रही है, फिल्म सेट पे जाकर काम करती हूँ तो वहाँ की ऊर्जा अच्छी लगती है, मैं ऊर्जा में मान्यता रखती हूँ। तो वहीं आपको बता दें कि सारा अली खान ऐसा नहीं कि किसी मंदिर में जाने को लेकर पहली बार सुर्खियों में आई हैं। इससे पहले एक बार केदारनाथ जाने को लेकर सारा अली खान पर कट्टरपंथियों ने तीखा हमला बोला था। उस वक्त तो कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर सारा अली खान को ये तक कह दिया था कि उन्हें अपने नाम के पीछे से अली और खान हटा देना चाहिए, और उस वक्त भी वो इन सब बातों से घबराई नहीं थी।